अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू खाई से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, टेक स्टूडेंट्स में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi K20 के बारे में। ये स्मार्टफोन चाइना में Redmi K20 के नाम से लॉन्च होगा और इंडिया में Poco F2 के नाम से लॉन्च होगा। आज का वीडियो में हमें इसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू कर देते हैं। Redmi की तरफ से जो स्मार्टफोन है चाइना में आने वाला है वो स्मार्टफोन Redmi K20 के नाम से जाना जाता है और इंडिया में वही स्मार्टफोन Poco F2 के नाम से आ सकता है। इसमें आपको 6.29 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको OLED डिस्प्ले इसमें देखने को मिल सकता है। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको क्वालकॉम के तरफ से बिल्कुल नया सा और लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 SoC देखने को मिल सकता है। सर बिल्कुल नया है और बिल्कुल तगड़ा है। ये स्मार्टफोन का खासियत यही है कि आपको इसमें एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसका स्कोर भी आपको 4,50,000 तक आ चुका है। इस फोन के साथ आप सारा दिन चिपक के रहे तो भी आपको कुछ भी लैग वगैरह नहीं देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस फोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है 20 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल, इन दोनों में से कोई भी एक मेगापिक्सल वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है। जैसा आप OnePlus 7 Pro में देख चुके हैं पॉपअप सेल्फी को, उसी तरह आपको इसी फोन में भी देखने को मिल सकता है। इस फोन का खासियत और भी एक है दोस्तों, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें OLED डिस्प्ले को यूज किया गया है, इसीलिए हमें पता चलता है कि इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। दोस्तों आज के बैक साइड की कैमरा के बारे में बात करने का है तो आपको रियर में 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 सेंसर देखने को मिल सकता है और सेकेंडरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए कैमरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज का वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।